हाय स्टूडेंट्स, आज हमें देखना है स्टैटिस्टिक्स न्यू सिलेबस प्रैक्टिस सेट 6.1 महाराष्ट्र बोर्ड। इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड ड्राइवर्स, टोल जो होता है टोल नाका, एंड द नंबर ऑफ एकर इज शोन। फाइंड द मीन ऑफ द टोल बाय अज्यूम मीन मेथड। ये जो मीन हम निकाल सकते हैं, लेकिन चार पांच का तो इजिली हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो ह्यूज क्वांटिटी में हो, सबसे ज्यादा टोल नाके पे एक गाड़ी नहीं आती है, बहुत सी गाड़ी आती है, तो उन बड़ी गाड़ियों का जब हम मीन निकालते हैं तो उसे हम डायरेक्ट मेथड हो गया या अज्यूम मीन मेथड हो गया, डिविएशन मेथड हो गया, बहुत से मेथड हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसीलिए आज हम इसमें यूज करेंगे सेकंड क्वेश्चन अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम यानी मान लेना, कोई चीज को मान लेना। तो ठीक है, सबसे पहले मैं जो क्लास टोल है, देखिए मैं इशारा कर रहा हूँ, ये जो क्लास टोल है इसमें मैं पहले फिलअप कर लेता हूँ, उतना टाइम मेरा से होता है, और क्लास मार्क जो जो मेरे पास में दिया गया, मैं फ्रीक्वेंसी वगैरह पहले सबसे पहले राइट कर लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसमें राइट कर दिया जो टोल रूपी था 300, 400, 400 टू 500, 500 टू 600, 600 टू 700 और ये 800 तक मैंने देखिए क्लास टोल में से राइट कर दिया। और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ व्हीकल जो हमें टेबल में दिया गया था 80, 110, 120, 70, 40, इसे भी मैंने राइट कर लिया। अब क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये जो बात है क्लास मार्क किस तरह निकाली जाती है, आपको भी पता है क्लास मार्क निकालने के लिए इन दोनों की एडिशन, किसकी एडिशन। मान लीजिए ये जो 300 है, कौन था, ये जो 300 है और ये, इन दोनों की हम एडिशन करते, क्या करते एडिशन करते, और एडिशन करने के बाद में हम उसे क्या करते हैं, उसके हफ करते। तो समथिंग मैं थोड़ा साइड में राइट करता हूं, देखिए यहां पर 300 प्लस 400 और डिवाइडेड बाय इसको 2 से हम कर देंगे तो कितना होता है 700। तो 700 डिवाइडेड बाय 2 तो इसके कितने आएंगे 350, तो मैं यहां पर राइट कर दूंगा 350, समझ में आ गए आपके 350। और 400 टू प्लस 500 900 तो उसके हो जाएंगे 450, इसके कितने हो जाएंगे 600 टू 600 प्लस 500 इसके हो जाएंगे 500 550। देखिए 3, 4, 500 का इसमें डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ आ जाएंगे 600 650 और ये आ जाएंगे 750। आप करके देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अज्यूम करना है हमें, जब हम उसे अज्यूम करेंगे तो अज्यूम जब हम करेंगे तो अज्यूम का मतलब क्या होता है, कोई भी एक वैल्यू ले ली जाए, उसको अज्यूम करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए मैं मिडल वैल्यू ले लेता हूं, इसकी जो मिडल वैल्यू हमें दी गई समथिंग, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करता हूं। मान लीजिए मैं जो 550 है इसको अज्यूम कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, इसे इसको अज्यूम कर लेता हूं, थोड़ा एक बार मैं अच्छे से राइट कर लेता हूं, मैं इसको अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, ये वैल्यू को इसको मैंने अज्यूम कर लिया 550 को। अब जब अज्यूम कर लिया तो ऊपर देखिए मैंने यहां फॉर्मूले पहले से राइट कर चुका हूं, मैं ये फॉर्मूले देखिए, ये डिविएशन निकालने के लिए फॉर्मूले किस तरह हम निकालेंगे, तो हमने अज्यूम कितना किए 550। ओके 550, तो 550 जब हमने अज्यूम कर लिए तो ये फॉर्मूले से वैल्यू पुट करनी है डी, तो डिविएशन निकल जाएगा एक्स आई, एक्स आई यानी कितना 350 में से 550 माइनस करना है, क्या करना है, यहां पर मैं थोड़ा साइड में राइट करता हूं, बाद में से इरेज करता हूं। तो डिविएशन निकालने के लिए हम किस तरह निकालेंगे, एक्स आई माइनस 550 जो हमने अज्यूम किए, तो एक्स आई मैं पहले लूंगा 350, तो राइट कीजिए यहां पर 350 माइनस 550, तो कितना हो जाएगा 350 में से 550 माइनस करेंगे हम तो 200 माइनस 200, तो मैं यहां पर राइट कर देता हूं माइनस 200। उसी तरह एक्स आई यानी कितना 450 में से मैं 550 माइनस कर दूंगा अज्यूम, तो कितना रिमेन रहेगा मेरे पास में माइनस 100, तो मैं यहां पर राइट कर दूंगा माइनस 100। और 550 में से 550 माइनस करते तो आंसर आएगा 0, और आपको पता है इसमें से माइनस करेंगे तो हम यहाँ पर आंसर आएगा 100। आप करते जाइए जिस तरह मैंने आपको बताया, और इसमें आएगा 200। तो आपको ये समझ में आ गया डिविएशन किस तरह निकालना है, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, मैं सीरियस कर देता हूं। ठीक है, चलिए आगे चलते। अब जो फ्रीक्वेंसी इंटू डिविएशन लास्ट में हमें जो निकालना है, ये देखिए तो हम जब इसे निकालेंगे तो किस तरह निकालेंगे, तो जब हम इसे निकालेंगे तो इन दोनों का एफ आई और डी आई का मल्टीप्लीकेशन है 8 × 200, तो कितना जाएगा 8 × 16, तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 1600। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप करके देख लीजिए, इसका जाएगा
11000 30 है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करता है आंसर 0 आएगा, एनी नंबर की मल्टीप्लाई आंसर 0, इनका करेंगे 7000, इसका 7000 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 4 × 8 यानी 8000। तो यहां पर हमें इसका आंसर मिल चुका है। अब इसमें हमें थोड़ा चेंज करना है, यहां पर देखिए मैं थोड़ा इसमें थोड़ा ये फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पर हम कुछ भी नहीं राइट करेंगे, यहाँ पर भी हम कुछ भी नहीं राइट करेंगे, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम फॉर्मूला क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, इनकी अगर हम एडिशन करेंगे तो इसकी आएंगे 420। आप करके देख सकते हैं, देखिए मैं बताता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर हम इसकी एडिशन करते हैं 80 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 70 प्लस 40, इनका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना है 420। ओके, तो इसका 420 हमारे पास में आ चुका है। अब इनकी एडिशन करनी है हमें, देखिए तो अगर मैं इसकी एडिशन करता हूं तो समथिंग इसका जो आ जाएगा, मैं थोड़ा यहां पर ही करता हूं, तो ये 1, देखिए थोड़ा मैं फिर से राइट करता हूं ऐसे, देखिए तो ये हो जाएगा -16। इसको इरेज करता हूं एक बार, देखिए 1600। ओके, अब देखिए यहां पर फिर मैं राइट करूंगा -100 है, तो यहां राइट कर दूंगा 1 2 3 और ये 10। ओके, तो और ये हो जाएगा 0। देखिए अब ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो मैं यहां पर राइट करता हूं, देखिए 1 मिनट, देखिए इसको पहले क्लियर कर देता हूं, रिसेट कर दिया से, तो यहां पर जाएगा -16000 -11000। अब यहां तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये होगा इतना। ठीक है, अब मैं इसमें से प्लस करता हूं 7000 8000 कितने 15000, मैं प्लस करता हूँ इसमें से, तभी हमें आंसर मिल जाएगा। सॉरी यहाँ पर एरर बता रहा है इसकी कैलकुलेशन में से, तो मैं यहाँ पर ही कर लेता हूँ साइड में, देखिए मैं साइड में कर लेता हूँ। अगर इसमें से 12050 में से अगर गए तो समथिंग हमारे पास में, देखिए फ्रेंड एक प्रॉब्लम हो गया था, मैंने यहाँ 1600 ही लिखा था, जो 8 × 16 यहाँ पर 16000 चाहिए था। तो ठीक है, देखिए मैंने -16000 -11000 की एडिशन की, तो -27000 आ चुका है। 27000 में से हमें 15000 प्लस यानी माइनस किया, उसमें से निकाले हमने 27 में से, तो -12000, तो हमारे पास में आंसर आ गया यहाँ पर इसका -12000। चलिए अब इसके आगे हम जो निकालना है हमें वैल्यू, जो हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व क्या करना था हमें, डिविएशन। तो सिंपली आप हियर, मैं यहां पर देखिए यहां पर सॉल्व करता हूं उसे, सिग्मा एफ आई और डी आई कितना आ गया हमारे पास में -12000 और कॉमा सिग्मा फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास में 420। ओके, तो सिंपली डिविएशन का फॉर्मूला देखिए, डिविएशन का फॉर्मूला इस तरह हम राइट करेंगे, डिविएशन सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, वैल्यू पुट कीजिए इसके अंदर, देखिए वैल्यू पुट कीजिए -12000 अपॉन 420। अब इसे देखिए मैं इसे कट करता हूँ, इसे कट करता हूँ और इसे हम थोड़ा मैं साइड में डिवाइड कर डालता हूँ, तो इसका आंसर हमारे पास में आएगा -28.857। आप बाजू में थोड़ा साइड में करके देख लीजिए। अब हमें डिवीजन निकालने के लिए पूछा गया मीन, तो हम मीन किस तरह निकालेंगे, तो मीन के लिए हम फार्मूला ये यूज करेंगे, मीन का फार्मूला। जब डिवीजन निकलता है और मीन निकालना होता हो, तो हमें मीन हम इस तरह निकालते हैं, देखिए अज्यूम जो हम कर रहे थे ए प्लस डिवीजन, मीन इस तरह निकलता है हमारा। अज्यूम कितना किया था हमने 550 प्लस डिवीजन कितना आ गया -28.57, तो ये माइनस ही आएगा 550 -28.57।
अगर इसको आप सॉल्व करते हैं आगे तो इसका समथिंग आएगा, मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, 521.43। तो ये हमारे पास में टोल इतना देना पड़ेगा, दिस मीन्स टोल कितना आ गया हमारे पास में, इतना आ गया 521.43। अगर हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर अवर चैनल।